अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। एपीएमसी चुनाव के लिए कीर्ति राणा ने भरा नामांकन, बाजार और व्यापारियों की समस्याएं मिटाने का दिलाया भरोसा। भारत माता की जय। नई मुंबई के कृषि बाजार मंडी के लिए 15 फरवरी को चुनाव होने हैं। इसके लिए 29 जनवरी को मसाला मार्केट के संचालक पद के लिए पूर्व संचालक कीर्ति राणा ने अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि बाजार और व्यापारियों के सामने नियमन, गालों का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और महानगर पालिका प्रशासन से जुड़ी तमाम दिक्कतें हैं, जिन्हें दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रतिद्वंदियों की तुलना में उनका पिछला कार्यकाल विकास के लिए समर्पित रहा है, इसलिए जीत उनकी होगी और बाजार को इंटरनेशनल हब बनाने का सपना भी पूरा होगा। एपीएमसी बोर्ड की इलेक्शन है, जिसमें हमारी मार्केट, एक जो मसाला मार्केट है, उसका सर्व विक्रय वस्तु व्यापारी, जिसमें 1078 वोटर्स है। आज हमने हमारी चैम्बर, हमारी संलग्न संस्थाओं, सभी सभासदों के सपोर्ट से हमने आज नॉमिनेशन यहाँ पे फाइल किया है। आगे भी 2008 से 2014 तक हम यहाँ पर संचालक की ओर से काम किया है। इस मार्केट को 27 साल पुरानी हो चुकी है। ढांचा पूरा इंटरनेशनल हाइजेनिक बनाने की विज़न लेकर और अच्छी सुविधाएं लेकर और जहां जहां 1963-1967 के पुराने कानून है, उस कानून के नियमन को बदलाने की बहुत ज़रूरत है। हमारे यहां शक्कर, ड्राई फ्रूट, तेल, दालें, जिस पर नियमन नहीं है उसके पर सर्विस चार्ज 2014 से 18 में बहुत बड़े पैमाने पे लगाया गया है। 154 कोटी का हाईकोर्ट के अंदर केस चल रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि हम वो 154 कोटी हरगिज लगाने नहीं देंगे। हमारे पास ठोस पुरावे हैं, हमारे पास इसके लिए सारे कानून से पूरे पुरावे रखे हैं। तो इस प्रकार नियमन जब होता है तो नियमन के तहत जो भेदभाव है, जो असमानता है, इसमें व्यापारियों को, बहुत बड़े व्यापार को नुकसान होता है। आज ऑनलाइन व्यापार चल चुका है, मॉल संस्कृति आ गई है, सारा बदलाव हो चुका है और यहाँ पर इस गुलामी की जंजीर में व्यापार जो है कम होते जाएगा, व्यापार घट जाएगा, उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो यहाँ पर हजारों कामगार, दलाल, व्यापारी, गुमास्ता, सभी परिवार जो है तो उसको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इस खामियाजा हरगिज हमें भुगतना नहीं है और महाराष्ट्र सरकार, भारत सरकार सभी से किसान के मालों को अच्छा दाम देने की, किसान को अच्छी सुविधा देने की पूरी तैयारी हमारी है। हमारे ग्राहकों को भी रीजनेबल माल पहुंचाना, आज बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के सामने हम बिल्कुल कंपटीशन कर सकते हैं, हम कम दाम में माल उनको घर तक पहुंचा सकते हैं, सारी सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं और हाइजेनिक मार्केट की आवश्यकता है और समाज के लिए ज़रूरी है। आज अन्न ब्रह्म है और खाना अगर तंदुरुस्ती से मिले तो लोगों की सेहत भी अच्छी रहेगी। तो ये एपीएमसी की जो इलेक्शन है उसमें हमारा बहुत ही उम्दा विज़न है, अच्छा विज़न है। सर्वे जना सुखी न भवंतु, सबका भला हो जाए, सबका साथ मिलेगा, सबका विकास करेंगे और जरूर सबका विश्वास से करेंगे।
ये उम्मीदों के साथ कीर्तिभाई राणा मसाला मार्केट एक से सारे परिवारों की शुभेच्छा लिखते हुए आज हमने यहाँ पर नॉमिनेशन फॉर्म भरा है। बता दें कि वर्ष 2017 से ही एपीएमसी का संचालक मंडल बर्खास्त कर दिया गया है और नए नियम लागू किए गए थे, जिसकी वजह से चुनाव में बाधा आ रही थी। शिवसेना सरकार ने 23 जनवरी को देवेंद्र फडणवीस के नए नियमों को रद्द करते हुए पुरानी पद्धति पर ही चुनाव को मंजूरी दे दी। फलस्वरूप 24 जनवरी से यहां चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।